महिलाओं और बालिकाओं पर बढ़ रही उत्पीड़न और दुराचार की घटनाओं को रोकने के लिए शुक्रवार को भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर प्रभारी जिलाधिकारी अनुज सिंह, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SP सिटी विनय कुमार सिंह, महिला थाना की प्रभारी अर्चना सिंह मौजूद रहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव बाल विकास मंत्रालय ने आशा ज्योति केंद्र में वन टॉप सेंटर खोलने को कहा, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल रहेंगे, जिनकी संख्या 5 की होगी, जो महिलाओं और बालिकाओं को व्यवहारिक ज्ञान देने, जिससे महिला व बालिका अपराध को रोका जा सके। सर, हम ओएसी को बिल्कुल नॉन ऑपरेशन चार्ज भी दिया गया है। मैं क्या आपसे आपके यहाँ आशा ज्योति केंद्र का कंट्रोल रूम है वने प्लान का मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी बन गया है मथुरा के लिए, और अभी तक मैं मथुरा के लिए बजट आवंटित हो गया है वन स्टॉप सेंटर के लिए, लेकिन अभी तक हमें उसकी गाइडलाइन जो लिखा होता है लगा दिया।